इधर है, मुंह इधर है टाइगर, ये होठों पे। ओ भैया, ये तक पहने पहने दांत इसके, लेकिन काटता नहीं है। अच्छा बिल्ला है ये। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 7 और बहुत ही हल्की हल्की सी ठंड हो रही है, अच्छी लग रही है। और आज है संडे, तो संडे तो एक्चुअली मेरे लिए फंडे एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डे, क्योंकि तो आज के दिन मैं खेलता हूँ क्रिकेट, वही खेलने जा रहा हूँ। और मैंने अपना वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंशु अभी सो रही है, बाकी और भी लोग सब सो रहे हैं, तो मैं जाऊँगा क्रिकेट खेलने। जब तक लौट के आऊंगा वो लोग सब उठ चुके होंगे, देन ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट नहीं किया यार, क्योंकि सब लोग सोए रहे थे, तो मैं निकल रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डे की जर्नी। तो गाइस, फर्स्ट इनिंग हो चुकी है, हमारे 162 रन है, हमने स्कोर दिया है। बॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी, पहले हमने बैटिंग की थी, तो अब देखते हैं। स्कोर तो बढ़िया दिया है, अब बॉलिंग हमारी बढ़िया हो जाए, डिपेंड कर ले, तो फॉर श्योर हम जीत जाएंगे। फील्डिंग लगी हुई है हमारी, अभी दो बॉल हुई हैं खाली। हसन बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था, जीतेंगे हम लोग, ट्रस्ट है अपनी टीम पर। दो ओवर हो चुके हैं, 23 का स्कोर हो गया, बहुत तेज खेल रहे हैं। ऑलमोस्ट आधा मैच हो चुका है, 9 ओवर का गेम बचा है अभी और 70 रन चाहिए हमको। मैं जा रहा हूँ लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डिंग करने। बॉलिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी मेरी आज, बैटिंग तो बढ़िया थी, 18 में 31 रन बनाए थे मैंने, तो देखते हैं। मैच तो अभी काबू में है अपने, 9 ओवर में 70 रन अभी हमें बचे, तो थोड़ा लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डिंग करने आया। 13 ओवर का ऑलमोस्ट गेम हो चुका है, 42 बॉल पे 48 रन चाहिए। अभी तो आपने कवर में है मैच, लेकिन दोनों साइड में जा सकता है किसी भी उसमें। 30 बॉलों पे 31 रन चाहिए, थोड़ा गेम बचा है, दोनों साइड गेम जा सकता है। चौबीस बॉल में 21 रन का गेम बचा है, थोड़ा दूसरी साइड में चला गया गेम, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी साइड से। बॉल पे 6 रन चाहिए, ऑलमोस्ट गेम हमारे हाथ से निकल चुका है, बस एक्सपेक्टेशन ही रह गई है। फाइनली वी लॉस द मैच, अच्छा मैच हुआ था लेकिन हार गए। तो मैं लौट के घर पे आ चुका हूँ, अब थोड़ा रेस्ट करूँगा, थक भी गया हूँ काफ़ी, और देन उसके बाद खाना वाना खा के फिर कंटिन्यू करता हूँ अपनी जर्नी। तो मेरा रेस्ट हो चुका है, मैं उठ गया हूँ अब, और जब से उठा हूँ बस चूहों की आवाज़ आ रही थी, तो बाहर निकल के देखा मैं। ये अमार, नदिया और अंशु ये लोग आ गए हैं, तबाही मचा रही है, देखो बाल्टियों के अंदर चढ़ चढ़ के बैठ गए ये लोग, पता नहीं कौन सा गेम चल रहा है इनका। और ये टाइगर इधर भूखा फिर रहा है, इनके चक्कर में खाना भी नहीं खा रहा। टाइगर टाइगर खाना खाओगे तुम? सुन भी नहीं रहा, मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रहा, नीचे आवाज़ लगा रही है कोई। ये टाइगर मांग रहा है कुछ खाने के लिए, लेकिन ये पर्दे के पीछे छुप के बैठ गया, देखो लेकिन खा नहीं रहा है ये बच्चों के चक्कर में नहीं खा रहा है, बस कर रहा है। और अंशु ने अपना हाल बेहाल कर रखा है, बिल्कुल शक्ल पूरी बिगाड़ ली है, कपड़े पता नहीं कैसे क्या कर रही है, सुबह से तो इसने तबाही मचा दी है। हाँ, मैं क्रिकेट खेलने गया, तुम लोग यही कर रहे हो क्या? बच्चों ने टाइगर की जो लाइफ है ना, एकदम हेल कर रखी है, फुल परेशान कर रखा है, खाना भी नहीं खा रहा है वो, और बॉल से खिला रहे हैं। ये देखो अंशु ना, अंशु क्या कर रही है ये ऐसे नहीं करेगा, जब खाना खा लो, ये देखो ज़रा इसका, इसको भी मज़ा ही आ रहा है। इसे दोबारा करवाओ, बढ़िया करके जंप करवाओ इसे, ये देखो। ओह ये टाइगर ने कितनी हाई जंप मारी है, रोनाल्डो रहा, रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, मैंने लंच भी नहीं किया था, तो मैं अपने लिए लेके आया हूँ दाल चावल रोटी एंड सब्जी, तो मैं ये खाऊंगा, थोड़ा देसी खाना है, बढ़िया लगता है। लेकिन
अभी खाना खा के मैं नीचे आया हूँ, अम्मार को जाना है अभी क्रिकेट की कोचिंग, तो उसे छोड़ने जा रहा हूँ। अम्मा अंशु भी जाएगी साथ में, अंशु भी जाएगी साथ में मेरे। हाँ चलो जल्दी चलो, लेट हो जाओगे वरना, बाहर निकलो चलो, स्कूटर चलेंगे। अम्मार को कोचिंग ही छोड़ के आना पड़ेगा। तो मैं लौट के आ गया हूँ अम्मार को छोड़ के, अंशु पहले ही आ गई थी मुझसे ऊपर। और ये देखो टाइगर ना बेड पे सो रहा है मेरे, ये बेहोशी पड़ा रहता है। टाइगर 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 तो उठ भी नहीं रहा। टाइगर क्या हो गया टाइगर, तुम ऐसे कैसे हो रहे, आवाज़ आ गई टाइगर? ओ भैया सो जाओ, तुम सो जाओ, अच्छा मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सो जाओ, चलो सो जाओ, सो जाओ, फौरन सो जाता, मेरी बात सुन के। टाइगर भैया पूंछ तुम्हारी इधर है, मुंह इधर है टाइगर, ये होठों पे, ओ भैया ये तक पहने पहने दांत इसके, लेकिन काटता नहीं है, अच्छा बिल्ला है ये बिल्कुल बेहोश है नींद में। टाइगर इधर छू रही है बार बार। टाइगर हाँ सोते हुए भी आवाज देता है ये मुझे। तो गाइस मैच के बाद मैंने ना बहुत देर रेस्ट किया है, रेस्ट करने के बाद लंच भी मैंने ऑब्वियसली लेट किया था क्योंकि लेट आया था वहाँ से मैं। उसके बाद अम्मार नबी आ गए थे तो अंशु के साथ मिलके इतना धमाल मचाया इन लोगों ने, और टाइगर को इतना ज़्यादा परेशान किया है कि वो छुपके कहीं सो रहा है, वो भी थक गया है। तो अब काफ़ी देर हो चुकी है, लेट भी मैंने लंच किया था। तो अब एक्चुअली क्या ना, कल जिस मैं शादी में गया था उसका आज है रिसेप्शन, तो मुझे वहाँ जाना है। और आप भी लोग ये सोचते होंगे कि मैं रोज़ रोज़ शादी में जाता हूँ। गाइस क्या होता है ना, जब कोई प्यार से बुलाता है, वो ये अपना बुलाता है ना, तो वहाँ जाना बनता है। तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, चाहे मुझे रोज़ जाना पड़े, मैं जाऊँगा तो रोज़ ही वहाँ पर। तो शादी में जाते हैं, करते हैं फुल ऑन एन्जॉय। अभी फ़िलहाल तैयार हो जाता हूँ मैं, देखते हैं आज कौन सा सूट पहनना है, क्या पहनना है, करता हूँ देखते हो अभी। तो फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ, शादी तो मैं पहुंच चुका हूं, गाड़ी से बाहर निकल रहा हूं, सारे लोग ऑलरेडी मैंने पहले ही गेट पे ड्रॉप कर दिए थे मैरिज हॉल के, जा रहा हूं मैरिज हॉल की तरफ। तो ये है मैरिज हॉल गोल्ड रेसिडेंसी, यहां पर रिसेप्शन पे आया हूं, अंदर चलते हैं। आज सारे लोग एक साथ ही अंदर जा रहे हैं, एकदम पिंक कलर की लाइट लगी हुई है, लग रहा है मुझे लग रहा है शायद कोई आया भी नहीं है, और पता नहीं यही शादी की। और हाँ मैं खाने के सेक्शन में आ गया हूँ, खाना भी खाना नहीं है क्योंकि हम लोग खाएंगे लड़की वालों के साथ खाना, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। भीड़ काफ़ी छट चुकी है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट आए थे, और जो मतलब नॉर्मल विजिटर थे वो आगे जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो हमारा थोड़ी देर लगेगा। तो मैं जब बाहर आ गया था देखने, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर जहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे, जस्ट मेरे सामने ही है उनका स्टेज। अब हम सब लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए बाहर, अंशु बलून लेके आ गई है परेशान। फाइनली हम लोग का खाना पीना हो चुका है, मम्मी पापा सादिया बातें कर रहे हैं तीनों आपस में, और अब हम लोग निकलने की तैयारी करेंगे, घर के लिए निकलेंगे। काफ़ी देर हो चुकी है, ऑलमोस्ट 12:45 हो चुके हैं। खाना खा के हम लोग आ गए हॉल के अंदर, और मुझे मिली है कॉफ़ी जो भी प्लास्टिक के ग्लास के अंदर, पीने इन्जॉय करते कॉफ़ी को खरीद लेंगे। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दूर खड़ी करी है, बाकी सारे लोग घर के पीछे मेरे पीछे ही चल रहे हैं, तो मैं निकलूँगा अब घर। तो हम लोग लौट के आ चुके हैं घर पर, अब कपड़े पे चेंज करेंगे, देन उसके थोड़ी देर बाद आता हूँ मैं लौट के। तो फाइनली हमने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, लेकिन अंशु अभी रात को 12:30 बजे पता नहीं क्या अपना बैग लेके बैठी हुई है, कलर वलर जो कुछ निकाला है, सोने का नाम नहीं लेना चाहती है। क्या कर रहे हो तुम यार? पता नहीं रात में से 12:30 बजे इसके अंदर एक आर्टिस्ट जाग गया, ड्राइंग करेगी अभी ये। तो ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी थक भी चुके हैं क्योंकि आते आते वहाँ लेट हो गया था, अब सोने की तैयारी करेंगे, लेकिन मुझे तो अभी एडिटिंग करनी है तो मैं एडिटिंग करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर समाप्त, और एज ऑलवेज आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, बाय।